नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 29 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस रेडियो में 1400 पदों पर होगी बहाली। बिहार के 35 जिलों में होगी बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नया फॉर्मेट हुआ तय। स्मार्ट मॉनिटरिंग से अब होगी होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना। के सभी जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज की होगी खास व्यवस्था। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस रेडियो में 1400 पदों पर होगी बहाली। बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी और सिपाही के 1400 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। गृह विभाग ने इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से अद्यतन सूचना मांगी है। इसके तहत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही के 969, चालक सिपाही के 14, सहायक अवर निरीक्षक के 484, पुलिस अवर निरीक्षक के 17, पुलिस निरीक्षक के 38 और पुलिस उपाधीक्षक के 1 पद पर रोस्टर क्लियरेंस के फलस्वरूप नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के परिसर में ही फायर ब्रिगेड सेंटर स्थापित किया जाना है। इसको लेकर गृह विभाग ने पहल शुरू कर दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मलय रॉय चौधरी की। मलय रॉय चौधरी का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में साल 1939 में हुआ था। मलय रॉय चौधरी एक भारतीय बंगाली कवि, नाटककार, लघु कथाकार, निबंधकार और उपन्यासकार हैं, जिन्होंने 1960 के दशक में भूखवादी आंदोलन की स्थापना की थी। वो पटना के इमली ताला यहूदी बस्ती में पले बढ़े, जहां मुख्य रूप से दलित हिंदू और शिया मुस्लिम रहते थे। उनका एकमात्र बंगाली परिवार था। उनके पिता रंजीत पटना में एक फोटोग्राफर थे। उनकी मां अमिता 19वीं सदी के बंगाली पुनर्जागरण के एक प्रगतिशील परिवार से थी। उनके दादा लक्ष्मीकांत रॉय चौधरी कोलकाता में एक फोटोग्राफर थे, जिन्हें रूडयार्ड किपलिंग के पिता लाहौर संग्रहालय के क्यूरेटर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। बिहार में प्रदूषण पर लगेगा अंकुश। बिहार के कई शहर में बढ़ते प्रदूषण सरकार की परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन अब बिहार में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत राज्य भर में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर सरकार डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए अनुदान दे रही है। इसके बाद बिहार में दिनों दिन सीएनजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लगभग 10,000 से अधिक सीएनजी वाहनों का परिचालन जारी है। लोगों में सीएनजी वाहनों के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए जिलों में सीएनजी स्टेशन नेटवर्क बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि सीएनजी बसों और गाड़ियों का परिचालन हो तो किसी को भी परेशानी ना हो। बिहार के 35 जिलों में होगी बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा राज्य के 35 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक के सभी 35 जिला के जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है और परीक्षा के दिन 23 जनवरी को सेंटर चिन्हित करने को कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा को एक पाली में आयोजित किया जाएगा। जानकारों की माने तो इसमें कुल मिलाकर 500,000 अभ्यर्थियों को शामिल होने का अनुमान है। इस परीक्षा के वरीय उप समाहर्ता सह एसडीएम, डीएसपी, ईओ सहित लगभग 19 विभागों ने 723 पदों पर नियुक्ति की जानी है। पंकज त्रिपाठी ने लोगों से बिहार पंचायत चुनाव में मतदान करने की कही बात। बिहार से निकले अभिनेता समय समय पर बिहार के लोगों से खास अपील करते देखे गए हैं। इसी बीच पंकज त्रिपाठी ने एक बार फिर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सभी लोगों से खास अपील की है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पंचायत चुनाव बुनियादी लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है। सभी को अपनी बेहतरी के लिए आगामी चुनाव में मतदान करना ही चाहिए। पंकज का मानना है कि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही जमीनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसको लेकर पंकज ने कहा कि पंचायत चुनाव की सुंदरता ही इस बात से है कि प्रतियोगी गांव से है, इसीलिए ग्रामीण के लिए अपने उम्मीदवार को समझना आसान हो जाता है। पटना में अगले साल पूरा होगा परिवहन परिसर का निर्माण। परिवहन परिसर के निर्माण को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आई है, जिसके तहत पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ज्ञात हो ये निर्माण कार्य साल 2020 में ही शुरू हो गया था और अब इसके अगले 1-2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ये परिसर करीब 8.5 हेक्टेयर में करीब 164 करोड़ रूपए की लागत से बन रहा है। इसमें परिवहन विभाग से जुड़े कई कार्यालय बन रहे हैं, जिससे एक ही परिसर में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति अपना काम करवा सकेगा। जिसके बन जाने से डीटीओ, आरटीओ कार्यालय और बस डिपो तीनों एक साथ कैंपस में रहेंगे, जिससे कि अब आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, छपरा आदि के लिए बसों की सुविधाएं यहीं से उपलब्ध हो सकेगी। वहीं सिटी बसों का परिचालन भी यहां से किया जा सकेगा।
अगले एक हफ्ते में बिहारवासियों को सताने लगेगी ठंड। अक्टूबर का महीना बस खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में अभी से ही लोगों को दिन और रात में ठंड का एहसास होने लगा है, जिससे मौसम वैज्ञानिकों को यही उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में बिहारवासियों को ठंड की मार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन सबके बीच राहत की खबर ये है कि बिहार के किसी भी जिले में फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे किसानों को यकीनन राहत मिली है। हालांकि अब मौसम बदल चुका है और ठंड की शुरुआत भी हो गई है। पटना को छोड़कर बिहार के कई प्रमुख जिले जैसे कि भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रात के समय में लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने यही दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार के मौसम में और ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नया फॉर्मेट हुआ तय। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी बीच शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए दो तरह के काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, ऐसे में चुनाव खत्म होने के साथ ही इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत ही वर्तमान समय में 550 से अधिक ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां अब तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां दो चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही करीब 650 ऐसी नियोजन इकाइयां जहां एक बार काउंसलिंग हो चुकी है, वहां केवल एक बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए ये एक नया फॉर्मेट तय किया गया है। पटना के बाद ये जिला बना बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भले ही सवालों के घेरे में रही हो, लेकिन बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अब तक कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। वहीं शिक्षा के मामले में बिहार की राजधानी पटना को एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है, ऐसे में अब बिहार के एक और जिले ने अपने सिर पर इस नाम का ताज सजा लिया है, और वो कोई और जिला नहीं बल्कि बिहार का दरभंगा जिला है। क्योंकि बिहार में 57% उच्च शिक्षण संस्थान केवल 10 जिलों में है, जिसके तहत ही अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर 154 शिक्षण संस्थान है। वहीं दरभंगा दूसरे स्थान पर है जहाँ कुल मिलाकर 56 शिक्षण संस्थान है। वहीं पूर्वी चंपारण और बेगूसराय ऐसा जिला है जहाँ विद्यार्थियों का घनत्व सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ शिवहर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, अरवल, सुपौल और किशनगंज में 10 से कम उच्च शिक्षण संस्थान है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए इंटर्न डॉक्टर्स। बिहार के विभिन्न अस्पतालों को इंटर्न डॉक्टरों ने बीते दिन से अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। खबर लिखे जाने तक इंटर्न डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इससे पहले बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन गुरुवार को उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत डॉक्टरों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कराया, उसके बाद ओपीडी भी बंद करवा दिया। रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इन इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे और धरना ही बैठे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सभी डॉक्टर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर अपनी यह हड़ताल कर रहे हैं। बिहार में प्रभावी हुआ सशस्त्र पुलिस बल विधेयक। बिहार में बीते दिन से सशस्त्र पुलिस बल विधेयक प्रभावी हो गया है, जिसके तहत ही अब किसी भी संदिग्ध की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर और दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात बीएसएपी अब किसी भी संदिग्ध की तलाशी ले सकती है, उसके संदिग्ध सामानों की जब्ती कर सकती है, साथ ही उसे पकड़ा भी जा सकता है। महाबोधि मंदिर और दरभंगा हवाई अड्डे को विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के रूप में चयन किया गया है, जिसके तहत ही इन प्रतिष्ठानों के अंदर विशेष सशस्त्र पुलिस के हवालदार रैंक के पुलिसकर्मी और उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के तहत दी गई है। बिहार में डिजिटल तकनीक से लापता बच्चों को खोजने में लगी सरकार। बिहार में गुम हुए ऐसे बच्चों को घर की तलाश की यह कवायद इन दिनों डिजिटल मोड में चल रही है, जिसके तहत बिहार के समाज कल्याण विभाग की देखरेख में विभिन्न जिलों में चलने वाले आश्रय गृह में ऐसे 100 से अधिक बच्चों को वहां से निकालकर उनके स्वजनों तक पहुंचाया जा चुका है। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी ने बताया कि आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए विभाग ने आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था कर रखी है। आधार कार्ड बनाने वाले आश्रय गृह पहुंचते हैं। आधार कार्ड बनाए जाने के क्रम में जब बच्चों की उंगलियों का स्कैन किया जाता है तो उस दौरान ये सूचना मिलती है कि संबंधित बच्चे का आधार कार्ड पहले से बना है या नहीं। सड़क निर्माण के दौरान अब नहीं काटे जा सकेंगे पेड़। पटना हाईकोर्ट में नारायणपुर, मनिहारी, पूर्णिया हवाई के निर्माण के दौरान काटे जाने वाले पेड़ों पर सख्ती दिखाई है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर अब ये साफ कर दिया है कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई अब नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में नारायणपुर, मनिहारी, पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर ये सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही गई हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनएचएआई की तरफ से हाईवे निर्माण में पेड़ की कटाई करने के बजाय पेड़ को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज की होगी खास व्यवस्था।
बिहार के सभी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए खास व्यवस्था होने जा रही है, जिसके तहत बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण और आवश्यक उपकरणों की खरीद को लेकर योजना बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण से सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज में काफी सुविधा होगी। उपचुनाव के परिणाम के बाद बैठक करेगी नीतीश सरकार। बिहार विधानसभा उपचुनाव का आयोजन 30 अक्टूबर को होने वाला है। वहीं बिहार में मतगणना 2 नवंबर को होने वाली है, जो कि जदयू के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये दोनों सीटें जदयू के पाले में ही थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से जदयू इस सीट को बचाने की जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब उपचुनाव रिजल्ट के बाद नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नवंबर को बुलाई है। 2 नवंबर को उपचुनाव का परिणाम आएगा, उसके अगले दिन मंत्रिपरिषद की बैठक। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। देव सूर्य मंदिर देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। ये सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं-8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। पंचायत चुनाव का दौर जारी है। 5 चरणों के सफलतापूर्वक मतगणना के बाद अब बाकी बचे चरणों को लेकर आयोग काफी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। यही कारण है कि आने वाले पंचायत चुनाव में मतगणना को और ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत इस बार जार्विस वोटिंग मशीन से वोटों की गिनती कराई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग डॉ. दीपक प्रसाद ने कहा है कि इस तकनीक के माध्यम से चुनाव सुरक्षित और सफल हो रहा है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान जार्विस ईवीएम मशीन में देखे गए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोट का मान्य करेगा और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिणाम के साथ सत्यापित कर सकता है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ी भीड़, प्रशासन अलर्ट। पर्व त्योहार के कारण भारी संख्या में यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में पटना एयरपोर्ट से 52 जोड़ी विमानों का परिचालन अन्य शहरों के लिए किया जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोरोना जांच और वैक्सीनेशन को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके तहत ही पटना एयरपोर्ट पर जांच हो रही है। हालांकि जिन लोगों ने वैक्सीन का डबल डोज ले लिया है और डोज लिए हुए 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, उन्हें किसी भी तरह की जांच से गुजरना नहीं पड़ता है। एयरपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर अन्य शहरों से आने वाले विमानों में जिस शहर से परिचालन किया जाता है वहां ही कोविड जांच कर लिया जाता है। आईएमए की जांच में कोरोना काल में डॉक्टरों के जान गंवाने का हुआ खुलासा। कोरोना काल में बिहार में भारी संख्या में डॉक्टरों की जान गई थी, जिसके कारण बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम से डगमगा गई थी। हालांकि डॉक्टरों की जान क्यों गई इस बात को लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने तो नहीं आई थी, लेकिन अब आईएमए ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिए गए पीपीई किट और मास्क की क्वालिटी पर सवाल उठाया गया है। आईएमए का कहना है कि कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की लड़ाई पीपीई किट और मास्क से कमजोर हुई है। यही कारण है कि देश भर में सबसे ज्यादा बिहार के डॉक्टरों की ही जान गई थी। हालांकि आईएमए फिलहाल जांच में लगी। राजद की मांग पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच राजद की 5 सदस्यीय टीम ने उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बीते दिन मुलाकात की। इन लोगों ने शिकायत की है कि कुशेश्वर स्थान में बिना नोटिफिकेशन के ही एक अधिकारी का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद कुशेश्वर स्थान में चुनाव कार्य से डीएसपी दिलीप झा को हटा दिया गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस प्रशासन को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि उपचुनाव में पुलिस जदयू के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने मतगणना के बाद राजद और कांग्रेस के साथ आने का किया दावा। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के बीच उहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद भक्त चरणदास ने कांग्रेस और राजद के अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार में महागठबंधन में टूट मानी जा रही है। हालांकि इन सबके बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू जी के आने से परिवर्तन तो दिख रहा है। पहले तो एनडीए के पक्ष में हवा थी, वहीं अब वही हवा और ज्यादा बेहतर हो गई है। दोनों दल एक दूसरे का कंधा पकड़ कर चल रहे थे। जब दोनों दल को लगा कि अब दोनों ही डूब जाएंगे तो अलग अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर से दोनों साथ ही नजर आएंगे। पशुपति पारस ने सीएम नीतीश को बताया विकास पुरुष।
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बीते दिन सीएम नीतीश के खूब गुणगान गाए, जिसके तहत उन्होंने सीएम नीतीश को विकास पुरुष का नाम दिया है। इसको लेकर बीते दिन पशुपति पारस ने कहा कि सीएम नीतीश की नीतियों में कोई खोट नहीं है, महिलाओं को नीतीश सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सराहनीय काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में एनडीए का साथ देने की बात कही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। उड़ीसा में 1999 को विध्वंसकारी समुद्री तूफान आया। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति मैक्सवेल रिचर्ड्स ने नई दिल्ली में 2004 को भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वार्ता की। मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म 1985 में आज के दिन हुआ था। पहली लोकसभा के सदस्य सैयद मोहम्मद अहमद काजमी का निधन 1959 में आज के दिन हुआ था। समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन 1988 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को वर्ल्ड पैरालिसिस डे के रूप में भी मनाया जाता है। मैसेंजर पर वीडियो कॉलिंग करना होगा मजेदार। पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस फेसबुक मैसेंजर में वीडियो कॉल्स और मैसेंजर रूम्स पर एक नया ग्रुप इफेक्ट फीचर शुरू कर रहा है। ग्रुप इफेक्ट नए एआर फिल्टर और इफेक्ट लाते हैं, जो एक ही समय में वीडियो कॉल पर सभी पर लागू किए जा सकते हैं। ये ग्रुप इफेक्ट जल्द ही इंस्टाग्राम पर शुरू किए जाएंगे। फेसबुक का कहना है कि सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ग्रुप इफेक्ट्स वीडियो कॉल पर सभी के लिए काम करते हैं और इसमें मल्टीप्लेयर गेमिंग अनुभव भी शामिल है। फेसबुक मैसेंजर में 70 से ज्यादा ग्रुप इफेक्ट्स ऐड कर रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,310 रुपए था। वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,580 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 111.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 103.28 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, रोहित कुमार, बबीता यादव, सतीश आनंद, गौतम कुमार, सनी कुमार, माही आनंद कुमार, संतोष, मृत्युंजय कुमार, सचिन कुमार, रघुनाथ प्रसाद, मनीष कुमार, कमलेश पंडित, गायत्री कुमारी, संगीता कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद राजद और कांग्रेस एक साथ वापस आएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।